बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, 11 जून 2019 को हमजा शहबाज शरीफ नैब अदालत पहुंचे। जब वो नैब की अदालत से बाहर निकले तो नैब ने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन पहले मरियम नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि हमजा शहबाज शरीफ की बेल हो गई। उस पर हमजा शहबाज शरीफ के बारे में जो उन्होंने कहा वो जरा सुनिए। हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक इकलौती बेटी है उसकी, जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी, वो उसके बगैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माँ की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया। एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। तो सब हम सब मिलके पहले तो हमजा शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अराकीन के साथ, जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली। तो ये जो जुल्म और ज्यादती होती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती। वो बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है, और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाल्लाह ताला आएगा तो एक और एक 11 होते हैं, और हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह ताला ये मियां साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। हमजा शहबाज को 20 माह बाद ना हक कैद से रिहाई मिल गई। आज वो जमानत पे रिहा होकर बाहर आए तो मरियम नवाज ने हमजा शहबाज शरीफ का हजारों कारकुनान के साथ कोट लखपत जेल के बाहर इस्तकबाल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी मुल्ज़म को नामालूम अरसे तक जेल में सड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़ेर हिरासत मुल्ज़म के ट्रायल में हद से ज्यादा ताखीर को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अगर ये ताखीर मुल्ज़म के किसी अमल या गफलत की वजह से ना हुई हो। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा गया कि अदालत ट्रायल में चौंका देने वाली ऐसी ताखीर को आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती जिसमें ताखीर के जिम्मेदारान मुल्ज़मान ना हो। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा गया कि कानून और इंसाफ के असूलों और केस के हकायक को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक फिट केस है जिसमें जमानत दी जानी चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ जेल से बाहर आते ही हुकूमत पर बरस पड़े। वो बोले, कौम ने एहतसाब के तमाशे का अंजाम देख लिया, ये लोग हम पे एक रुपए की करप्शन भी साबित ना कर सके। हमजा शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज मुल्क पर जाली हुकूमत मसल्लत है। सबसे पहले जिसने रहम फरमाया मेरे कारकुनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जेले जो है मुस्लिम नून के लिए कोई नई बात नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के मौके पे मरियम नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के बारे में मीडिया से बात करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। थैंक यू। तस्का के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि एक हलका खोलने के लिए वो राजी नहीं थे, उनकी सारी चोरी पकड़ी गई, अब हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। असल में हुकूमत को यह भी परेशानी है कि पंजाब से मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब होने के सवाल पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा, देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। मियां हमजा शहबाज शरीफ 20 महीने से ज़ायद अरसा कैद काट कर जब बाहर आए तो उन्होंने कारकुनान से ख़ताब भी फरमाया, लेकिन मुझे जो सबसे अहम बात लगी वो ये कि मियां हमजा शहबाज शरीफ ने जो नारे लगाए
उसमें बहुत से पैगाम पोशीदा थे और बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बहुत से तजिया निगार ये कह रहे थे कि मियाँ हमज़ा शहबाज़ शरीफ जब बाहर आएंगे तो वो अपने बाप का बयानिया लेके आएंगे, मरियम नवाज़ शरीफ जो वो बैकफुट पर चली जाएंगी और इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी और इक्तदार की लड़ाई होगी, कोई इस तरह की बहुत सारे जो रूमर्स फैला दी जाती हैं। लेकिन हमज़ा शहबाज़ शरीफ ने जो नारे लगाए उसमें बहुत से पैगाम पोशीदा हैं। आप उनके नारे सुने और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।